तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक फ्रेशर कमाल की वीडियो में। कैसे हो आप सभी लोग, आप देख रहे हैं हैशटैग टेक्निकल गेमर, हैशटैग पार्थ, मेरा नाम है पार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वीडियो टेक्नोलॉजी पे है। इस वीडियो में आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो रियलमी स्मार्ट टीवी पे है, कस्टमाइज फॉर इंडिया, रियल साउंड, रियल डिज़ाइन, रियल क्लियरिटी। दोस्तों एक कल ही लॉन्च हुआ था रियलमी का टीवी, जो है स्मार्ट टीवी दोस्तों, और सबसे कम प्राइस में है। प्रोसेसर, साउंड, डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग आएगा, डॉल्बी एटम्स का साउंड आएगा, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट साउंड इन इट्स क्लास। हैशटैग स्मार्ट रियलमी स्मार्ट टीवी, हैशटैग चॉइस फॉर इंडिया, चॉइस ऑफ इंडिया। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी स्मार्ट टीवी के बारे में, जो कि बेस्ट प्राइस रेंज में आपको मिल रही है रियलमी की तरफ से। रियल पिक्चर, रियल साउंड, रियलमी स्मार्ट टीवी, डॉल्बी एटम्स, एंड्रॉयड टीवी जो कि स्मार्ट टीवी है। प्राइसिंग आपको मैं सामने चलते ही बता दूंगा, उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। माधव सेठ जी जो रियलमी के सीईओ है, इंडियन रियलमी सीईओ है, उन्होंने लाइव लॉन्च किया था आज यूट्यूब पे, लाइव टीवी के साइड में खड़े होकर। तो रियलमी स्मार्ट टीवी ने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। ये टीवी दोस्तों दो मॉडल्स आपको इसमें मिलेंगे, जो कि 32 इंचेस का एक रहेगा और एक 42 इंचेस का रहेगा, दो मॉडल्स रहेंगे। इंचेस के साइज से ही प्राइसिंग रेंजिंग रहेगी, बाकी तो सब क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन है दोस्तों इस टीवी में। दोस्तों स्मार्ट टीवी है, क्रोमा बूस्ट इंजन फॉर फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो कौन से टीवी में आएगा नहीं आएगा। क्रोमा बूस्ट का क्या फ़ायदा है आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में विद क्रोमा बूस्ट है और राइट में क्रोमा बूस्ट नहीं है। इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों, अप टू 4000 का निट्स का ये ब्राइटनेस मिलेगा, जिससे आपको कलर अच्छा मिलेगा, प्योरिटी, क्लियरिटी सब कुछ। काफ़ी मोड्स इसमें आएंगे, स्टैंडर्ड मोड है उसके सामने चलते हो, स्टैंडर्ड में आप पूरा जो आपका नॉर्मल टीवी है वो देख पाओगे। स्पोर्ट्स मोड, अगर आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, स्पोर्ट्स कुछ है, मूवी में आप मूवी के लिए स्पेशल कुछ सेटिंग्स रहेगी, टीवी अपने आप कर लेगी, तो उस मोड पे डालना है। यूज़र में मुझे लगता है कोई नया आता है तो उसको अलग मोड पे दे देंगे और जो ओनर है वो अलग मोड में यूज़ करेगा। एनर्जी सेविंग दोस्तों, आपकी टीवी कम एनर्जी खाएगी, उसकी भी कुछ सेटिंग होगी। और गेम दोस्तों, गेमिंग की बात करें तो मुझे तो लग रहा है इसे पबजी वगैरह सपोर्ट करेगा, क्योंकि प्ले स्टोर भी है। ये विविड है, शायद से कलरिंग बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए रहेगा। आगे आते तो 178 का सुपर वाइड वीवी एंगल है दोस्तों। ये क्यों रियलमी ने मतलब ये नया लाया है, क्योंकि सभी परिवार के लोगों को अच्छे से टीवी दिखे। मीडियाटेक का हाई परफॉर्मेंस टीवी चिपसेट आएगा इसमें, पहला है ये डिजिटल टीवी के लिए। नंबर वन HDR10 एंड HLG जो कि हाई क्वालिटी वीडियो डिकोडिंग के लिए आएगा, जो कि आपको क्वालिटी अच्छी देगा। रियलमी स्मार्ट टीवी का बेजल आप देख सकते हो, और दूसरे कंपटीटर्स का आप देख सकते हो, जिसके मामले में रियलमी का काफ़ी छोटा आता है, मतलब स्क्रीन आपको बड़ी मिलेगी। 24 वाट्स का क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे विद डॉल्बी एटम्स, कुछ तो नया किया है, डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए पावरफुल ऑल रेंज स्पीकर्स है, एक्स्ट्रा ट्विटर्स आपको इसमें मिलेंगे, जो कि काफ़ी आपको ट्विटर साइड में लगे होंगे, और ये ऑल रेंज स्पीकर रहेगा। आप ये देख सकते हो डॉल्बी एटम्स कैसे वर्क करेगा, पूरे दोनों साइड में नीचे से पूरी ऑडियो फैल जाएगी, जो कि डॉल्बी एटम्स है, और आपके रूम में पूरी ऐसी फैलेगी, पूरी कंट्रोल होगी डॉल्बी एटम्स की वजह से, काफ़ी स्पेस मतलब स्पेस में पूरी कंट्रोल, लाउडनेस को कम करेगा लाउडनेस को, और आपको क्लीन एंड सॉफ्ट साउंड देगा। सर्टिफाइड बाय एंड्रॉयड टीवी है दोस्तों। एंड्रॉयड टीवी जैसे कि मैंने बोला स्मार्ट टीवी है, 5000+ ऐप्स आप ले पाओगे, प्ले स्टोर इसमें रहेगा, यूट्यूब रहेगा, गूगल दोस्तों मेन बात पे है, गूगल क्रोमकास्ट बिल्ड इन रहेगा इसमें, गूगल असिस्टेंट आपको मिल जाता है, जो कि आप पूछ सकते हो। गूगल असिस्टेंट तो आपको पता ही, आप स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हो। क्रोमकास्ट बिल्ड इन जो मैंने अभी बोला है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, अगर आप फ़ोन में समझो गेम खेल रहे हो, वो सेम आपको टीवी में दिखेगा, स्क्रीन मतलब आपको वहाँ पे दिखेगी। वाईफाई आएगा इसमें, ब्लूटूथ आएगा, HDMI के 3 पोर्ट है, USB के 2 पोर्ट है, बाकी पावर कनेक्शन और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे। ऑल इन वन स्मार्ट रिमोट आपको मिल रहा है, जिसमें कि बैलेंस वेट तो अच्छा है, इसका ग्रिप भी अच्छी रहेगी। मेन रिमोट में आएंगे तो दोस्तों 3 आप बटन देख सकते हो, नेटफ्लिक्स का, यूट्यूब का और प्राइम वीडियो का, और नीचे एक मेन है गूगल असिस्टेंट का, जो कि इस रिमोट में वॉइस कमांड भी चलेगी। ये आपको जिसका वर्किंग देख सकते हो, वाइड वोल्टेज का कैपेबिलिटी इसमें ही लगा है, PCB जो कि आपको टीवी को अच्छा रखेगा, आप कैसे भी यूज़ करो। स्टैंड मोड और वॉल माउंटेड मोड में दोनों में आप इसे यूज़ कर पाओगे, जो कि स्टैंड्स मिलेंगे और टेबल पर रख सकते हो, या आप इसे वॉल माउंटेड कर सकते हो। इसके काफ़ी टेस्ट किए गए हैं, 20 डिग्री सेल्सियस में इसको टेस्ट किया है, 760 mm ड्रॉप टेस्ट किया है, 5500 टाइम्स और इसका टेस्ट किया गया है। ये कुछ 780+ सर्विस सेंटर है, और आपको यहाँ पे फास्ट डोर स्टेप इंस्टॉलेशन 48 आवर्स में आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। ब्रेजललेस डिज़ाइन LED स्क्रीन आपको मिल जाएगी, क्रोमकास्ट बूस्ट पिक्चर आपको मिल जाएगा, क्रोमा बूस्ट पिक्चर, 24 क्वाड स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे,
प्राइसिंग दोस्तों इसकी स्टार्ट होती है 13,000 से। रियलमी स्मार्ट टीवी 108 सेंटीमीटर में आएगा। 80 सेंटीमीटर वाला आपको 13,000 में आएगा, जो कि काफ़ी कम है दोस्तों स्मार्ट टीवी के मामले में। और 108 सेंटीमीटर 22,000 का आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 32 इंचेस आप लोगे ब्लैक कलर में, वो आपको 13,000 का आएगा। और उसी में अगर आप जाते हो 108 सेंटीमीटर 43 इंचेस के लिए, तो वो आपको 21999 में आ जाएगा, जो कि 22,000 में आ जाएगा, जो कि स्मार्ट टीवी के मामले में काफ़ी कम है मुझे तो लगता है। और मेन बात दोस्तों इसका सेल कब है, इसका सेल 2 जून को है, जो कि 12 जून को स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर और एक सरप्राइज आने वाला है, जो कि 100 वॉट्स के 5 स्पीकर ऑडियो सिस्टम आने वाला है रियलमी की तरफ से, जो कि आप इस टीवी में कनेक्ट कर पाओगे। तो मुझे तो लगता है दोस्तों ये बेस्ट स्मार्ट टीवी है इस प्राइस रेंज में। मुझे लगता है आप सभी ने लेना चाहिए जो भी स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे रियलमी वॉच के बारे में, जो कि उसी दिन इसके साथ ही लॉन्च हुई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। वंदे मातरम। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।